नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है सहायता केंद्र। दोस्तों आज मैं आपको एक टी शर्ट प्रिंट करके दिखाने वाला हूं। जैसे आपको पता है कि ये हमारा जो स्क्रीन प्रिंटिंग का ट्यूटोरियल है उसका एक नेक्स्ट वीडियो है ये। तो मेरे एक मित्र हैं, यूट्यूबर हैं वो भी, मिस्टर जितेश, तो उनके लिए मैं टी शर्ट्स बना रहा हूँ। तो वो भी जस्ट मैं चाहता हूँ कि आप वो देखें कैसे हम उसे बना रहे हैं, उसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सब मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे जो फ्रेंड हैं उनका ये मैंने फ्रेम बनाया हुआ है। जो डिज़ाइन है ये पूरा फ्रेम के ऊपर हमने उतार लिया है। आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो उसके ऊपर मैंने कुछ पैकिंग कर दिया है। प्लास्टिक जो हमारी जो स्टिकर प्लास्टिक रहती है उसे मैंने यहाँ से चिपका दिया है ताकि जो भी हम कलर प्रिंट करें वो नीचे से यहाँ पे टी शर्ट के ऊपर न जाए। ओनली ये जो हमारा जो हम ये पैसेज ओपन हुआ है इस पे से ही वो कलर नीचे पास आउट हो। नीचे आप देख सकते हैं उनका लोगो भी है जो हम उसे भी हमने ढक रखा है। जब ये हमारा प्रिंटिंग हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे उनका लोगो और साइज़ हम वहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो ये उनका है एक टी शर्ट है, करीब 30-30 टी शर्ट वो बना रहे हैं और यूट्यूबर हैं। आप भी उनके चैनल पे जाइए, उनके जो चैनल्स हैं वो दीजिए, आपको उनका चैनल का नाम मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों प्रिंटिंग करने के पहले हम जो भी कोई टेस्ट प्रिंट है उसे हम कोई भी ख़राब कपड़े के ऊपर निकालेंगे। कागज़ का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि कागज़ से क्या होता है कि जो भी कलर होता है, जो कलर यहाँ से हम स्प्रेड करते हैं वो नीचे आके फिर जो हम हमारा जो फ्रेश कपड़ा रहता है उस पर वो ब्लॉट कर देता है। तो यानी हम कभी भी हमें जो टेस्ट करना है हमारे प्रिंट का तो उसे हमको एक फैब्रिक के ऊपर ही हमें करना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूरी तरीके से फिटिंग दोस्तों देख लेनी है कैसे आगे पीछे ना हो। कलर का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कलर हमें लंबाई में जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है वहाँ पूरा हमें लगाना है। ज़्यादा कलर का हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा कलर रहेगा उतना ज़्यादा ही हमें आसानी से वो प्रिंट करने में आसानी होगी। ये हमारा स्क्वीजी है, इसे हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं। सबसे पहले हमको इसके ऊपर स्प्रेड करना है, एक बार फिर वापस लेके जाइए। ये डिपेंड करता है आप कितनी बार इसके ऊपर ये जो हमारा स्क्वीजी इसे घुमाना चाहते हैं। फिर इसे हम लेके आए, मैं ज़्यादा करके 3 से 4 बार करने की कोशिश करता हूँ, एक बार हम करेंगे लास्ट टाइम। देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर जो ये प्रिंट आया है काफी अच्छा प्रिंट आया है, ये
बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों टी शर्ट के ऊपर चला गया है और कोई आउटसाइड में मार्किंग भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो ये हमारा ये सक्सेस है। अभी हम इसे हमारा जो जो ओरिजिनल टी शर्ट है उसके ऊपर हम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा ये डिज़ाइन है, ये हमने येलो जो टी शर्ट है उसके ऊपर हमने इसे प्रिंट किया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना रहता है, अगर हमारे पास ब्लोअर है तो ब्लोअर से हमें इसको करीब करीब 2000 वाट का जो ब्लोअर आता है वो ब्लोअर लेके हम काम कर सकते हैं। बट अगर समझो हमारे पास हीट प्रेस मशीन है तो उसे हमें इसे हीट प्रेस देना चाहिए करीब 180 डिग्री पे करीब एक 12 से 13 सेकंड के लिए। तो देखेंगे ना आप कि इसका जो लुक है वो बहुत ही निखर के आ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, पर वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, आप देख लीजिए।